तेज सबसे आगे आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। नमस्कार, मैं चंपा राय आप सभी का जगदूत न्यूज में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। ये खबर हमारे रिपोर्टर सनोवर खान की पटना से रिपोर्ट मिली है। तो 352 गुरुवार प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी पटना श्री कुमार रविवार ने कंगन घाट पानी के जहाज लिली को गाय घाट के लिए सिखों के संगत के साथ स्वयं मुश्ताद होकर रवाना किया तथा संगतों को ये कहकर स्वागत किया कि जी में आया नू। जिलाधिकारी श्री कुमार रविवार ने आज कंगन घाट पटना सिटी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश पर्व के अवसर पर देश विदेश से आने वाले सिख श्रद्धालुओं के गाय घाट गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए निःशुल्क सुविधा के लिए कंगन घाट से पानी के जहाज लिली को गाय घाट के लिए सिखों के संगत के साथ स्वयं मुश्ताद होकर रवाना किया तथा संगतों को ये कहकर स्वागत किया कि जी में आया नू। जिलाधिकारी ने बताया कि पानी के जहाज लिली कंगन घाट से गाय घाट के लिए 08 बजे सुबह से संध्या 05 बजे तक सिख श्रद्धालुओं एवं संगत को निःशुल्क 4 ट्रिप ले जाने और 4 ट्रिप ले आने के लिए प्रतिदिन सफर करेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि लिली पानी के जहेज के साथ जहाज में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। पानी के जहाज लिली में लाइफ जैकेट एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ट्रिप में SDRF की टीम बोट से जाएगी और आएगी। जिलाधिकारी ने आसाम से पहली बार तक श्री हरि मंदिर पटना साहिब आई संगत श्रीमती मनप्रीत कौर से पूछा कि आप कितनी बार यात्रा की है और आपको कैसा लगा। मनप्रीत कौर ने बताया कि मैं पहली बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वां प्रकाश पर्व पर तक श्री हरि मंदिर साहिब मत्था टेकने आई हूँ तथा गाय घाट गुरुद्वारा में मत्था टेकने पानी के जहाज से निःशुल्क सेवा से जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमको और संगत में आए सभी श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कंगन घाट पटना ट्रेंट सिटी में शौचालय, स्नानगृह, शुद्ध पेयजल, साफ सफाई एवं आवासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब में दर्शन करने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में सिख श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। उन्होंने जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुलाएंगे तो मैं बार बार तक श्री हरि मंदिर साहिब आती रहूंगी। पंजाब से आए श्रद्धालुओं श्री देवेंद्र सिंह, सखदेव सिंह एवं महेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मेरे साथ आए संगत के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी के साथ विशिष्ट अनुभजन पदाधिकारी श्री पंकज कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, अपर समाहर्ता श्री वजैनुद्दीन, अपर जिला दंडाधिकारी सामान्य श्री आशुतोष कुमार वर्मा, जिला जनवरी संपर्क पदाधिकारी श्री अनिल कुमार चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय ठाकुर, नजारत उप समाहर्ता श्री राजेश कुमार, अनुमंडल पद सबसे तेज रामदेव माथुर समुदाय भवन में भी आपको बैठक है। किस तरह की बैठक है? जो वहाँ पर ज्वाइंट ब्रीफिंग है, जो भी दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी उसमें लगाए गए हैं उनके साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग है और सभी पदाधिकारियों को तत्परतापूर्वक पूरे सेवा भाव से काम करने का निर्देश दिया गया है। और 11 तारीख से जो प्रकाश पर्व प्रारंभ होगा उसमें जहाँ जहाँ प्रशासन की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त कार्य करें, इसके लिए सभी इंतजाम किए। जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है? जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर जो प्रबंधन समिति है, स्थानीय नागरिक, हमका भी काफी सहयोग हो गया। नीतीश कुमार जी से धन्यवाद कर रही हूँ, मतलब उनका उन्होंने मतलब इतना अच्छा हमारे सिखों के लिए जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा मुझे। व्यवस्था मतलब बहुत चंगी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत चंगा लग रहा है। अपने गुरुद्वारा सुंदर सिंह जा रहे हैं। नाम? मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं शाम को प्रातः 8:30 बजे से लेकर संध्या 5 बजे चलाया जाएगा और दिन भर में ये 3 से 4 ट्रिप एक तरफ से जाएंगे और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ से साथ संगत घाट से जाएगा जहाज की सेवा चलेगी। सुरक्षा का इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स इत्यादि भी डाले गए हैं, साथ में यहाँ पर अधिकारी और पुलिस बल भी
तैनात किए हैं। एस डी आर एफ की टीम यहाँ पर रखी गई है, साथ में यहाँ पर IDFY के भी तकनीकी टीम लगातार इस बात का समूह साध संगत वालों अज इस पटना शहर की धरती के जो निवासी ने जो सरकार है उन्हों का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि सिख कौम इन्होंने एक 352 साल जो गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब से एड्डी एक महान चीज बख्शी है, जिस संगतान जिधर की दिक्कत आती सी महाराज के दर्शन कर ली वो डायरेक्ट इस जो समुद्री जहाज राही अं दर्शन मेला कर जा रहे हैं। इस का असी कोट धन्यवाद करते हैं समूह साध संगत वालों, एक करी जकारे के रूप में सारी संगत असी तुहाडा धन्यवाद करना चाहते पुले सोनिहाल नाम। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह डेरा बाबा नानक तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब तो। साध संगत जी साडे लागे बार्डर है जो पाकिस्तान के नाल उत्थे भी सेवा चल रही है, जो गुरु नानक देव जी महाराज का जो करतारपुर साहब दर्शन मेला उत्थे हुंदा है, बहुत जल्दी हिंदुस्तान गौरमेंट वालों ये उपराला किया गया कि वह लांघा जो पाकिस्तान तो डायरैक्ट संगत दर्शन मेला कर सकदियां वीजे तो बिना, उस दे लई भी असी गौरमेंट का ते होर जो साडे धन्यवाद। तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि हम फिर से आएंगे आपके सामने दूसरे शहरों की खबरें लेकर, तो बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।